This video is brought to you by Howzat. Download the app now. IPL 2021 के सातवें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 32 गेंद पर 51 रन बनाए। चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। How's that पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड। तो बेटा How's that? This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. राजस्थान की ओर से जयदेव उनादकट ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में राजस्थान ने 19.4 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। डेविड मिलर ने 43 गेंद पर 62 रन बनाए। अंतिम ओवरों में ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने 18 गेंद पर नाबाद 36 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। जीत के बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने कहा, सच कहूं तो जब हमारा स्कोर 40 रन पर 5 विकेट हो गया था तो मुझे लगा कि अब जीतना मुश्किल होगा। हालांकि तब भी हमारे पास मिलर और मॉरिस के विकेट बचे थे, फिर भी मुझे लग रहा था कि काफी मुश्किल होगा। सारा खेल परिस्थितियों को अच्छे से समझने का था क्योंकि गेंद कुछ रुक कर आ रही थी। अंतिम ओवरों में तो मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मॉरिस एक छक्का मार दे। मॉरिस का जिक्र हुआ तो संजू से राजस्थान के पिछले मैच के बारे में भी सवाल किया गया। पंजाब किंग्स के खिलाफ उस मैच में राजस्थान को 2 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। संजू स्ट्राइक पर थे, दूसरे छोर पर थे मॉरिस। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू ने लॉन्ग ऑफ पर शॉट खेला। रन लेने का मौका भी था लेकिन संजू ने सिंगल लेने से मना कर दिया था। मॉरिस स्तब्ध थे। आखिरी गेंद पर संजू आउट हो गए और राजस्थान मैच हार गया। इस मैच के जिक्र पर संजू ने कहा, मैं हमेशा मैच के बाद बैठकर अपने खेल का रिव्यू करता हूं, लेकिन मैंने पाया कि अगर मुझे 100 बार भी वो मैच खेलना होगा तो मैं 100 बार सिंगल मना ही करूंगा। इससे पहले मॉरिस से उस मैच को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था, मैं उस मैच में हर हाल में दूसरे रन के लिए वापस भागता क्योंकि मुझे पता था कि संजू कितने अच्छे तरीके से गेंद को हिट कर रहा था। शायद लोग मेरी रनिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये खबर आपके लिए लिखी है अभिषेक ने। कैमरे के पीछे राशिद और मैं मेघा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।